Hello students, good morning. Today I am going to teach comprehension. हमने वीडियो नंबर 20 में आपको ये पेशे से संबंधित रूल बताए थे. अब वीडियो नंबर 21 में हम आपको एक कंप्रेंशन पेशे कराने जा रहे हैं. अब इसमें हमने ये पेशे देखा है, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, केयरफुली तरीके से पढ़कर अच्छी तरह समझकर फिर इसके आंसर देंगे. हम कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और साथ में उसके आंसर भी बताएंगे. इस तरीके से पेसेज को हम हल करेंगे. ओके, सो ये पेसेज है, हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं. व्हाट एवर मे बी The cause of their suffering, we have got to treat the handicap with sympathy and understanding. In many instances, physically handicapped children suffer neglect and are used to themselves in their homes. This makes their life extremely sad and lonely. Our first duty is to make these children more happy and less lonely. Secondly, we have got to educate the children and help them to live useful lives. We should secure for them the benefits of education in schools, especially in intent for them. We have got to make them useful citizens by creating for them suitable opportunity to be employed. They will then have a sense of achievement and we can be happy that we have done. So, इस तरीके का हमारा ये एक पैराग्राफ है जो पेशे रूप में है. इसका कंप्रेंशन हम इसको दो बार सावधानी से पढ़ें और एक एक चीज इसको समझें, फिर जैसे क्वेश्चन हैं तो वो फिर उनके आंसर उसी टेंस के अनुसार, जो क्वेश्चन है जिस टेंस में है उसी तरीके से हम उसका आंसर देखें. अब एक बार हमने पढ़ दिया है, इसकी कुछ वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं. सफर पीड़ित होता है और ये हैंडीकैप के बारे में लिखा गया है कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड जो विकलांग होते हैं, हाथ पैर जिनके काम नहीं करते हैं, तो इस तरीके के बच्चों के बारे में बताया गया. एक वर्ड सिंपैथी जो सहानुभूति कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ होती है. यहाँ पर कुछ इंस्टेंस जिसे उदाहरण कहते हैं, तो पहले मैन मैन जो वर्ड से ध्यान दीजिएगा, फिजिकली शारीरिक ही होता है, ठीक है, और नेग्लेक्ट होता है नेग्लेक्ट करना, हम देखी कर देना. तो इस तरीके से ये सब सेंटेंस जो हैं, एजुकेट शिक्षित करना, ठीक है, और इंटेंडेड होता है इरादा, ये समझ आना चाहिए. वर्ड टफ लग रहे हैं, यूजफुल उपयोगी सिटीजन नागरिक, ओके, क्रिएटिंग पैदा करना उत्पन्न करना,
सूटेबल उपयोग और एक अपॉर्चुनिटी वर्ड है। ये जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है इसका होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर। तो भी एम्प्लॉयड होता है रोजगार। ओके, और इसका आगे ही साइंस जिसे कहते हैं भाव। अचीवमेंट उपलब्धि या प्राप्ति होती है जो अचीवमेंट हमें मिलती है। इस तरीके का हमारा ये पहला है जो हमने इस तरीके से इसका यूज किया है। तो आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है और समझ के अच्छे तरीके से इसको सोल्व करना है। ओके, अब आवर ड्यूटी टू वर्ड्स देम। आवर ड्यूटी टू वर्ड्स देम यानी उनके प्रति हमारी जो ड्यूटी है वो बनती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पैरा है जो हमने वर्ड से संबंधित बताया। बाकी मे बी, कैन बी, हैव गॉट, ये हमारी टेंस के अनुसार जो एच बी एम यू हैं ऐसे हो जाता है और ये सेंटेंस पूरा बन जाता है। सो एक बार हम रीडिंग में बता रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप इंग्लिश में ही दें। वाट एवर मे बी द कॉज ऑफ देयर सफरिंग, सफरिंग का एक पीड़ित है। वी हैव गो टू ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। द हैंडीकैप विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, इन मेनी इंस्टेंसेस फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन सफर लेस एंड आर यूज्ड टू देमसेल्व्स इन देयर होम्स। दिस मेक देयर लाइफ एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा के ऊपर तीव्रता सेल एंड लॉन्ग। आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू मेक द चिल्ड्रन मोर हैप्पी एंड लेस लॉन्ग। सेकेंडली वी हैव गॉट टू एजुकेट द चिल्ड्रन एंड हेल्प टू लिव यूजफुली लाइफ से लिव बना। वी शुड सिक्योर फॉर देम, ये शुड यूज किया है, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। फॉर देम द बेनिफिट, बेनिफिट होता है लाभ ऑफ एजुकेशन इन स्कूल स्पेशली इंटेंड फॉर देम। ठीक है, वी हैव गॉट टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग फॉर देम सूटेबल अपॉर्चुनिटी टू बी एम्प्लॉयड। दे विल देन हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड वी कैन बी हैप्पी, वी कैन बी हैप्पी दैट वी हैव डन आवर ड्यूटी टुवर्ड्स। तो आपको शायद इंग्लिश में बहुत समझ आया होगा, ज़्यादा हिंदी पे ध्यान नहीं दें, इसको इंग्लिश में ही समझें। अब इससे संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, ये पैरा जो है आप अपनी बुक में देख सकते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं जो आप इसे शो करें। ओके, सो इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है उससे संबंधित आप आपको यहाँ पर बताने चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसे में से क्वेश्चन ले। ओके, और क्वेश्चन है हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, और हाउ शुड दे बी ट्रीटेड, हाउ शुड दे ट्रीटेड, हाउ
हाउ शुड बी ट्रीट, ओके, हाउ शुड दे बी ट्रीट, है ना, इसमें इस तरीके से करना है, दे बी ट्रीटेड होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे कौन हैं, हाउ शुड दे बी ट्रीटेड और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ओके। अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पैरा पढ़ा था उसमें देख रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे कौन से हैं। तो हैंडीकैप्ड बच्चे वो होते हैं जिनकी जो विकलांग पोजीशन होती है, पार्ट्स ऑफ जो बॉडी होती है वो किसी वजह से डिफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, और व्यवहार हमें उनके साथ कैसा करना चाहिए, बड़ा सिंपथी और उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल का करना चाहिए। तो हैंडीकैप्टेड अभी पूरे पहले में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, अभी ट्रीट तो हमें दे दिया क्योंकि तो ठीक है, उसका क्रेडिट सेल्फ भी होना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ऐसे व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग है ना, समझ शक्ति से होना चाहिए, लेकिन पूरे पहले में ये नहीं कि हैंडीकैप्टेड है, क्या ना हैंडीकैप्टेड है, ये होता है कि भाई हाथ पैर जिसके काम नहीं करते, विकलांग पोजिशन है। तो ये आप अपनी तरफ से इसको बनाएंगे कि फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन आर दे हु आर अनएबल टू यूज ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी ड्यू टू सम डिफेक्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन, फिजिकली आंसर देंगे यहाँ पर, और ये करेंगे फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ट फिजिक में सारी, ठीक है, आर दे हुआ, ठीक है, आर मीन्स क्या होते हैं, दे हुआ दे हुआर अनबल, दे हुआर अनबल टू यूज एनी पार्ट, टू यूज एनी पार्ट, ओके, टू यूज एनी पार्ट या पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ओके, ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम डिफेक्ट, यानी किसी भी डिफेक्ट के कारण उनका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर के जो भाग है वो अनबल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैंडीकैप। अब उनके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो देश भी They should be treated. उसे व्यवहार करना चाहिए, तेज बर्ताव करना चाहिए, sympathetic, कैसा करना चाहिए, sympathetic, okay? So इस तरीके से sympathetic, okay? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे उनके साथ व्यवहार करेंगे। और ये तो सहानुभूति लेवल बढ़ गया, ओके, एंड विद अंडरस्टैंडिंग, बड़ा समझदारी से ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस तरीके से इसको देखा। अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें,
दूसरा क्वेश्चन है जनरली व्हाट हैपन टू हैंडीकैप चिल्ड्रन। ओके चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ कैन हैंडीकैप चिल्ड्रन बी मेड यूजफुल सिटीजन यानी हैंडीकैप चिल्ड्रन जो हैं उनको हम कैसे यूजफुल सिटीजन बना सकते हैं। तो अभी एक पैरे में आया था कि हम कैसे उनकी लाइफ में यूजफुल बना रहे हैं ना, तो उसका है यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग फॉर देम सूटेबल अपॉर्चुनिटी टू बी एंड। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे, तो शिक्षा के बारे में और एक कोई एम्प्लॉयमेंट का एक सूटेबल उनको अपॉर्चुनिटी दें। तो ये लिखिएगा आप, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन मे बी मेड यूज फॉर सिटी, मेड तो सिटीजन जो हैं कैसे बना सकते हैं बाई एज यानी कि शिक्षित करते हुए, उनको शिक्षित करते हुए हमें बना सकते हैं। देम एंड क्रिएटिंग राइट फॉर देम द अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हैंडीकैप चिल्ड्रन ने मे बी मेड यूजफुल सिटीजन बाय एजुकेटिंग देम एंड क्रिएटिंग फॉर देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से बनाया। ओके अब क्वेश्चन एक तीसरा आता है, व्हाट द हैंडीकैप एज वेल एज वी फील वहन भी डू आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द हैंडी टूवर्ड्स द हैंडीकैप।
तो हमारी कुछ गलती है कि हैंडीकैप के प्रति हम कैसे ड्यूटी निभाएं, तो ड्यूटी टूवर्ड्स देम हम निभाएं कि एक हैप्पी पोजीशन बने, ठीक है, कैसे बने, एक हैप्पी पोजीशन उनकी बने और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे प्राप्त हो। इस तरीके का हम इसका आंसर है When we do our duty, when we do our duty, जब हमारी ड्यूटी हम करते हैं towards the handicap, towards the handicap, तो we as well as they feel है, वो भी इतनी खुशी महसूस कर इतनी कि हम कर रहे हैं। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ओके, जो हमने इस तरीके से आपके सामने देखा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, यानी हमारी ये बनती है वो कैसे रहें हैप्पी रहें, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन जो हम और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जनरली What happens with handicapped children? बच्चे होते हैं अक्सर उनके साथ क्या होता है, हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। जनरली द हैंडीकैप चिल्ड्रन और नेगलेक्टेड ठीक है, नेगलेक्टेड होता है अनदेखी का, एंड लेफ्ट टू देमसेल्व्स और हम उनको छोड़ देते हैं इन देयर होम, उनके घर में, ठीक है, उनको घर में छोड़ देते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमने पैसेज में ये फोर क्वेश्चन किए हैं, पैसेज को पढ़कर और उसके सही तरीके से हमने जो आंसर दिए हैं इस तरीके से आप इनको देखेंगे और पैसे को दो तीन बार पढ़ना, क्वेश्चन का तरीका बता दिया हमने और इस तरीके से आपको इस शो करना है, इसी प्रकार से आप पैसे शो करेंगे, वो भी एक दो पैसे देख लेंगे और उसका आप शो करेंगे, ओके। अब इसमें ऑपोजिट भी पूछा, जैसे इसमें कोई वर्ड ऑपोजिट पूछ सकता था एम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता, इसी तरीके से कोई भी इसे पूछ सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है पैसे, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर देता है, जिसको इस तरीके से आपको करना चाहिए, ओके। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, सेंटेंस अपने कुछ तरफ से बनाएंगे, कुछ पैराग्राफ की सहायता से बनाएंगे।
ठीक है, सेम वर्ड भी इसको पूछा जा सकता है आप। तो बेनिफिट है जैसे मान लो, है ना, तो सेम में जैसे मान लो प्रॉफिट हो जाए, तो इस तरीके का भी इसमें पूछा जा सकता था, वन वर्ड भी पूछा जा सकता था। तो ये क्लियर करिएगा आप, ओके, और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करिए। थैंक यू।